तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, न्यू वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है भाई, बजाज सिटी 110X और बजाज सिटी 125X में आप कौन सी खरीदना चाहते हैं वो आपके कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, और कौन सी बेस्ट गाड़ी है आपके लिए, और कौन सी किसकी कितनी प्राइस है और माइलेज, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में आगे तक। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी एकदम वीडियो शुरू। बात करते हैं सबसे पहले बजाज सिटी 110X और बजाज सिटी 125X। 125X अभी लॉन्च नहीं हुई है, कुछ ही दिनों में जल्दी लॉन्च करने वाला बजाज कंपनी अपनी गाड़ी को। लेकिन इसमें फीचर्स क्या बदल के आएंगे 110X के, तो सबसे पहले 110 की बात कर लेते हैं हम। तो भाई 110X का जो भाई पूरा लुक है वही हमारा सेम 125X में आ रहा है। तो बात करते हैं भाई बजाज सिटी 110X की प्राइस के बारे में। तो प्राइस इसकी है भाई 80,000 रुपये ऑन रोड प्राइस, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकती है। भाई इसके माइलेज की बात करते हैं तो भाई इसकी माइलेज है भाई 65 के प्लस है इसका। एज ए राइडिंग डिपेंड करता है आपका। इसमें चार गियर मिलते हैं और इसमें एनालॉग मीटर मिल जाता है, इसमें कोई चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है, नीचे साइड कट ऑफ इंजन का सेंसर का फीचर मिल जाता है हमें, खाली एक ही फीचर अच्छा मिलता है बस। और इसमें भाई वही हमारी हेलोजन हेडलैम्प राउंड शेप मिल जाती है, ऊपर LED फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फाइबर का मडगार्ड, और इसमें भाई ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, इसमें ट्यूब टायर मिलता है, 2 साइज़ का टायर मिल जाता है, ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं इसमें। तो ये कुछ भाई आगे का इसका फ्रंट लुक। इसमें 10.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है, और इस पर सिटी 110 की ब्रांड ने ग्राफिक्स इसकी कुछ एक बात है, बजाज सिटी 110X ने इसमें नया एक कलर लॉन्च किया है भाई, इसमें जो कि आपका सिल्वर और वाइट और ब्लैक की कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रीमियम कलर है, बहुत अच्छा लुक है। और सीट की बात करते हैं, बहुत अच्छी सीट कंफर्ट मिल जाती है इसमें। इंजन 110cc का मिल जाता है भाई। और पीछे के लुक की बात करते हैं, बॉक्सर का लुक है भाई, भाई हमारा पीछे का सेम साड़ी गार्ड दोनों तरफ लग मिलते हैं। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी मजबूत है, इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं, आराम से लगेज कैरी कर सकते हैं। और इसके जो टायर पीछे का भाई 3.017 का ऑफ रोडिंग टायर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा टायर है भाई, तो टायर के मामले में बढ़िया है। और ये 110 की बात हो गई, अब 125 में इससे क्या हटके आया, 125X में आ रहा है भाई। आपका लुक तो सेम है, लुक में कोई चेंजमेंट नहीं है, आगे पीछे दोनों तरफ से सब कुछ लुक वही है, सिर्फ ग्राफिक्स में चेंजमेंट किया गया भाई। ग्राफिक्स इसकी नेक थोड़ी यूनिक बना दी गई है, इसमें रेड का भी ग्रीन का भी, और ये कुछ ग्राफिक्स आ रही है भाई, कोई एनालॉग वही एनालॉग मीटर आ रहा है इसमें, कोई डिजिटल मीटर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ चार्जिंग पॉइंट ऐड किया गया है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आ रहा है इसमें, ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें 5 गियर मिल जाते हैं हमें, 125cc का इंजन मिलता है, खाली इंजन में अपडेट किया गया है, बाद बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर मुझे कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। और शायद ही बजाज ने, और जो इसकी प्राइस है अब तक शायद सुनने में आ रही है, अभी क्लियर नहीं हुई है, इसकी प्राइस है 90,000 से ऊपर ही पड़ सकती है इसकी प्राइस भाई। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई इसकी प्राइस के बारे में कोई क्लियर अभी डिक्लेयर प्राइस हुई नहीं है, तो 90 से ऊपर ही जाएगी। आप बताइए नीचे कमेंट्स में इसकी आपको क्या फ्यूचर इसके अंदर अच्छा लगता है आपको, और कौन सी आप बाइक खरीदना चाहते हैं 110 या 125X, तो वो भी मुझे बता देना। तो आप नीचे वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, और आपको कौन सी गाड़ी की सबसे ज़्यादा फ़ैन है वो भी बता देना। वैसे मैं प्रेफर भाई, मुझे यार दोनों का लुक बिल्कुल ही अच्छा नहीं। हाँ अगर बजाज सिटी 125X लॉन्च हो रही है भाई, तो उसमें आगे का फ्रंट लुक चेंज करना चाहिए था, और इसमें डिजिटल मीटर देना चाहिए था, वो कब देखने को मिलेगा कोई पता नहीं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।